हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमार गुप्ता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या वाकई में आधार कार्ड से लोन मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि आप थंबनेल को देख के इस वीडियो के अंदर आए हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी निराश करने वाला नहीं हूं। यहां पे हम अच्छे तरीके से समझेंगे क्या वाकई में आधार कार्ड से लोन मिलता है नहीं मिलता, और मिलता है तो कहां पे मिलता है, कैसे मिलता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, क्या वाकई में आधार कार्ड से लोन मिलता है? इसका सिंपल सा जवाब है कि आपको आधार कार्ड से लोन नहीं मिलता है। लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं। यदि आप सर्च करें यहां पे आधार कार्ड लोन ऐप तो आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, लगभग 50 से 60 ऐप हैं। और यहां पे देखो 2-3 ऐप के तो एडवर्टीजमेंट भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी से पूछते हैं कि यार मुझे लोन चाहिए, तो वो बोलता है आधार कार्ड से लोन निकलवा लो ना, आधार कार्ड से लोन ले लो। लेकिन किसी को पता ही नहीं कि क्या वाकई में आधार कार्ड लोन मिलता है या नहीं मिलता, और आधार कार्ड से लोन मिलता है तो कैसे मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐप के जो जरिए हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं, उनका जो रास्ता है वो अलग-अलग हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पे एक ऐप को मैंने यूज करके देखा, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप इसके ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ये सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर मांगते हैं, इसके बाद आपकी फोटो मांगते हैं, और आपकी फोटो मांगने के बाद ये आपका व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर मांगते हैं, जिससे ये आपके पास कॉन्टेक्ट कर पाए। फिर इसके बाद वो लोग आपसे पूछते हैं कि किस बैंक अकाउंट में आपको लोन चाहिए, तो वहां पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिए और आईएफएससी कोड डालिए। इसके बाद वो आपको कांटेक्ट करते हैं, यदि आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है या फिर आपने फोन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, तो उसके जरिए आपसे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मैंने आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे हैं तो आप चेक करो। जैसे आपको लगता है कि यार पैसे उन्होंने भेजे हैं, तो जाके आप चेक करते हो तो बोलते हो कि 1-2 रुपए उन्होंने भेजे हैं। तो वो बोलते हैं कि हम आपके अकाउंट को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है, तो आपका जो लोन है आप जितना चाहते हैं वो लोन आपको इस बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ पैसे लगेंगे। तो यहां पे कुछ भोले भाले लोग होते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे भोले भाले लोग हैं जो इनके चक्कर में बेवकूफ बन जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में 5,000-6,000 रुपए लग रहे हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो कोई 5,000 मांगता है, कोई 6,000 मांगता है, और जो भोले भाले लोग होते हैं वो उनके बैंक अकाउंट में वो एक अकाउंट नंबर भी भेजते हैं, बोलते हैं ये सरकार के अकाउंट है, इनके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो जैसे आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं उसके बाद वो आपसे कॉन्टेक्ट दोबारा करते ही नहीं, तो ये चीज आप बच के रहिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि रिजर्व बैंक ने ये बोला है कि आपको आधार कार्ड नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना है, लेकिन यहां पे तो भैया आप आधार कार्ड स्कैन करके उनको दे देते हो, तो ये चीज ना करो। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मान लो वो आपसे इस तरीके से पैसे नहीं वसूल रहे हैं, तो दूसरा ये भी तरीका है कि जो आपका उन्होंने नाम लिया है, डेट ऑफ बर्थ लिया है और सारी इंफॉर्मेशन ली है, आधार कार्ड नंबर लिया है, तो ये सारी डिटेल्स जो है तो इसको भी वो लोग सेल करते हैं। तो जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये भी सेल करके लोग पैसे कमाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखो। तो ऐसे फ्रॉड से बच के रहो, क्योंकि बहुत सारे लोग के साथ ये चीज हो चुकी है। तो ये चीज गांठ बांध के रख लो कि आधार कार्ड से आपको लोन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो को पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को भैया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस रहे हैं। तो भैया आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।